ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के विवियाना मॉल के बाथरूम में दहशतगर्द भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्टर लिखने वाले आरोपी केतन को वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस उपायुक्त परिमंडल 5 के अविनाश अंबुरे ने ये जानकारी दी है। विवियाना मॉल के पुरुष बाथरूम में 16 जून को ISI कमिंग स्लीपर सेल एक्टिवेटेड जैसे दहशतगर्द भाषा में पोस्टर लिखा गया था। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की तो 2 मोबाइल नंबर सामने आए। पुलिस को इन मोबाइल नंबरों के जरिए एक लड़की तक पहुंचने में कामयाबी मिली। लड़की ने पूछताछ में बताया कि केतन घोड़के नामक उसका एक दोस्त है जो विक्रोली में रहता है और पिछले 7 वर्षों से जानती है, मगर पिछले कुछ दिनों से दोनों में नाराजगी चल रही है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने केतन से पूछताछ की तो केतन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 16 तारीख को विवियाना मॉल में जो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में आता है, करीब 3:30 बजे विवियाना मॉल के जो मैनेजर और उनके लोग, उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनके जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉशरूम थे वहाँ पे उन्होंने एक पोस्टर्स लगाए थे उनके एड कैंपेन के लिए। तो पोस्टर्स पे कुछ लिखा गया था, तो जैसे हमको पता चला, हमारी टीम सीनियर पे गिरिधर PPI अवार्ड और उनकी टीम वहाँ पे पहुँच गई और फिर वो पोस्टर्स पे ISIS इज कमिंग स्लीपर सेल इज एक्टिवेटेड दादर सिद्धि विनायक मंदिर इस तरीके से गजवाए हिंद इस तरीके से लिखा गया था और उस पर 2 मोबाइल नंबर लिखे गए। तो उस पर से हमने वो मोबाइल नंबर ट्रेस करके, वहाँ के जो मोबाइल नंबर है उनको कॉल करके और ट्रेस करके हम लोगों ने उनको बुलाया पुलिस स्टेशन में, उनके पास से इंफॉर्मेशन ली। तो पता चला कि जो लड़की का मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा गया था उसका एक फ्रेंड था जो 7 साल से उनके साथ में रिलेशनशिप में था और जो रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद में उसने जानबूझ के उनके मोबाइल नंबर और ये सब लिखने का उसने किया था। तो उस पर से केतन घोड़के नाम के जो लड़का है उसको हमने विक्रोली से उसको ताबे में ले लिया और इस घटना के हिसाब से हमने IPC 505 के तहत हमने गुना वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। आरोपी को भी हमने ताबे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई वर्तक नगर पुलिस स्टेशन से किया है। दोनों में प्रेम था मगर प्रेम संबंध टूट जाने से दोनों में नाराजगी चल रही थी, मगर पुलिस ने केतन की इस हरकत के लिए 505 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।